नमस्कार दोस्तों, नए साल आने के बाद में भारतीय राजनीति सर्दी के मौसम में राजनीति गर्म होने जा रही है। क्या जिस चीज की कमी थी बीएसपी में, उस कमी को पूरी करने के लिए मायावती जी तैयार हैं? क्या मायावती जनवरी महीने के बाद से भारतीय राजनीति में सक्रिय हो जाएंगी? मायावती को लेकर के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर के आखिर मांग इतनी तेज धीरे धीरे क्यों बढ़ने लगी? तो आइए दोस्तों, इन सभी सवालों को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। 15 जनवरी 1956 को मायावती का जन्म हुआ और हर साल 15 जनवरी को मायावती सभी को संबोधित करती हैं और मीडिया के सामने रूबरू होती हैं। और जब वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तब वह उत्तर प्रदेश में 15 जनवरी के दिन यानी अपने जन्मदिन के दिन ही उत्तर प्रदेश में कई सारी योजनाएं भी चलाती थी। तो कुछ ही दिनों के बाद 15 जनवरी आने वाली है दोस्तों, लेकिन मायावती जी ने एक तैयारी कर ली है। 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के दिन मायावती यहां पर बीएसपी 2.0 यानी एक नए अवतार में बहुजन समाज पार्टी को लॉन्च करने जा रही हैं। इसलिए जो भी बीएसपी की कमियां अभी नजर आ रही थी, उन सभी कमियों को पूरा करने के लिए बीएसपी अपने आप को एक आधुनिक अवतार में लेकर के आ रही है। मायावती अपनी पार्टी को आधुनिक युग में, सोशल मीडिया के इस युग में उतारने जा रही है। 15 जनवरी को बीएसपी एक अपना ऐप लॉन्च करने जा रही है और साथ में ही अपनी एक वेबसाइट, ऑफिशियली बीएसपी की वेबसाइट भी लॉन्च करने जा रही है। इस बीएसपी के ऐप में क्या क्या विशेषताएं होंगी, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं। मायावती जी जिस ऐप को लॉन्च करेंगे, उसमें वोटर्स का एक जियोग्राफिकल डिवीजन होगा, जिसके आधार पर पन्ना प्रमुख बनाए जाएंगे और हर एक बूथ पर एक एक्टिव टीम मौजूद रहेगी। मतलब कि ऐप के जरिए जो बूथ होता है, पोलिंग बूथ होता है, वहां से लेकर के हाई कमान तक की जो कनेक्टिविटी रहेगी, वो आपस में जुड़ी हुई रहेगी। हाई कमान को जिस भी इलाके के बारे में जानकारी लेनी होगी, उस ऐप में जाएगा, उस एरिया में क्लिक करेगा और उस एरिया के बारे में, उस बूथ के बारे में वहां से जानकारी ले सकता है। ऐसे ही उस ऐप में जाकर के उस एरिया में क्लिक किया जाएगा, उस बूथ में वहां का जो पन्ना प्रमुख बनाया गया है, उस पन्ना प्रमुख की प्रोफाइल खुल करके आ जाएगी। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को जो भी जानकारी देनी होगी, वह हाई कमान तक पहुंचाई जाएगी इस ऐप से सीधे। यानी कि बूथ कार्यकर्ता जो भी अपनी जानकारी को सीधे पहुंचाना चाहते हैं हाई कमान तक, और वो वहां से इतनी दूर से चल के नहीं आ सकते हैं लखनऊ तक या दिल्ली तक, तो वो सीधे इस ऐप के जरिए एक फीडबैक दे सकते हैं। और ऐप में और बहुत सारी विशेषताएं होगी, जिसमें कि एक जन संवाद का कॉलम भी होगा, जिसमें कि बीएसपी डायरेक्ट आम जनता तक जो भी उसके कार्यक्रम है, जो भी उनकी चीजें हैं, उनको डायरेक्ट वहां तक पहुंचाएगी। इस ऐप में पार्टी के जो भी इवेंट्स होंगे, जो भी कार्यक्रम होंगे, उनको सभी को टाइम टू टाइम कहां कहां पे क्या रैलियां होंगी, कैसे कैसे संवाद होंगे, वो सारी चीजें यहां पे टाइम टू टाइम अपडेट की जाएंगी, ताकि यहाँ पर जो भी बीएसपी के समर्थक हैं, उनको इसके बारे में जानकारी मिलती रहे। और इस ऐप में बीएसपी पार्टी जिन भी महापुरुषों से प्रभावित है, उनके विचारों को भी यहाँ पर लिख करके अलग से कॉलम में यहाँ पे दिया जाएगा। तो 15 जनवरी को ये सब लॉन्च करने के बाद में मायावती एक नई मजबूती ताकत के साथ में, एक नए अवतार के साथ में यहाँ पर उभर कर सामने आएंगी। अगर हम बात करें यहाँ पे अब चुनावों की, तो चुनावों को लेकर के जो बीएसपी के सांसद हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, उन्होंने मायावती को लेकर के पीएम उम्मीदवारी के लिए यहाँ पर मांग उठाने के साथ साथ उन्होंने अपनी कुछ शर्तें रखना शुरू कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के समक्ष शर्तें रखी हैं कि वो हमारे विधायकों को जो भी उन्होंने तोड़ मरोड़ किया है, उससे हमसे माफी मांगे, मायावती को वो पीएम उम्मीदवार घोषित करें, तब यहाँ पर बीएसपी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएगी। और कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर मायावती से इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए अनुरोध करने लगे हैं। लेकिन ये बीएसपी की जो मांग है मायावती जी को पीएम बनाने के लिए, तो ये मेरी नजर में सही है कि अगर इंडिया गठबंधन एक दलित ही प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, जैसे कि पिछली इंडिया गठबंधन के मीटिंग में हुआ था, ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम प्रस्तावित किया था, तो मेरी नजर में खड़गे जी से ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगी मायावती जी, क्योंकि उनका जो रोल है खड़गे जी का, वो सिर्फ कर्नाटक में है जहां पर कम सीटें भी हैं। लेकिन मायावती को अगर पीएम उम्मीदवार बनाया जाएगा यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, 80 सीटें हैं लगभग, और उसके साथ में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और इवन पंजाब में भी मायावती के वोटर्स हैं, तो उनका प्रभाव यहाँ पर हिंदी भाषी क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा मायावती जी को पीएम उम्मीदवार घोषित करने का एक महिला फैक्टर भी सामने आता है, जो कि फायदा देगा इंडिया गठबंधन को। और मायावती जी 4 बार की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो उनको अच्छे से प्रशासन की समझ भी है और अच्छे से वो प्रशासन व्यवस्था को चलाना भी जानती हैं। तो वो एक प्रकार से पीएम उम्मीदवार के लिए अगर दलित चेहरा कोई उतारना ही है, तो वो सबसे सक्षम यहाँ पर उम्मीदवार होंगी मेरी नजर में। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ किसी जाति विशेष की बात करने के लिए नहीं आया हूँ कि आप किसी जाति विशेष को ही प्रधानमंत्री बनाएं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि राजनीति में जिस तरह दलितों की हिस्सेदारी कम है, तो उनको उनके अधिकार क्यों ना दिए जाएं? क्योंकि एक तरफ पहले आप तो जाति में बांटते हैं, फिर जब बात आती है जातीय हिस्सेदारी की, तब आप मुंह फेर लेते हैं कि जातीय राजनीति हो रही है। तो ये लॉजिक कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि आरक्षण देने का जो उद्देश्य था, वो यही था कि सभी वर्गों को एक समान अधिकार दिए जाए, सभी का जो एक लेवल है, सबको साथ में लेकर के मेंटेन किया जाए।
जिस दिन इस देश में सभी वर्गों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार मिल जाएंगे, उस दिन आप लोग जाति की बात मत करना। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर ब्राह्मण को आप चमार कह रहे हैं और ठाकुर को आप धोबी कह रहे हैं, जिस दिन वो बुरा ही नहीं मानता है तो उस दिन तो आप आरक्षण भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन तो सभी की नजरों में सभी समान होंगे और सभी के हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा, तो आप इस चीज को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई दलित किसी सवर्ण व्यक्ति को अगर वो दलित बोल लेता है तो उसको दिल से बुरा लग जाता है, ये आज भी समाज की सच्चाई है। तो हमें इस चीज से मुंह नहीं फेर लेना चाहिए। लेकिन अभी भी एक वर्ग है जो अभी कमजोर है, उसकी स्थिति को देखते हुए हमें जातिवाद करके मुंह फेर लेना नहीं चाहिए, ये गलत होगा। क्योंकि ये बात सिर्फ जातिवाद की नहीं है, ये बात है ना मिले हुए अधिकारों की, ये बात है ना मिली हुई हिस्सेदारी की। दोस्तों अगर मैं आपको लास्ट में एक निष्कर्ष देना चाहूं तो पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जहां चुनाव हुए थे तो लगभग 50% वोट यहां पर बीएसपी और समाजवादी पार्टी, आरएलडी, कांग्रेस को मिलाकर हुआ था। तो इस बार अगर गठबंधन होता है, इंडिया गठबंधन, जिसमें बीएसपी भी शामिल हो जाती है, तो यहां पर ये जो वोट परसेंट है ये 50% से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसमें जहां बीएसपी, आरएलडी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और प्लस आम आदमी पार्टी का जो इधर उधर कुछ छिटका हुआ वोट है वो भी यहां पर आके इसके ऊपर गिरेगा। तो यहां पर 50% से ज्यादा वोट यहां पर मिल सकता है इंडिया गठबंधन को। तो ये 50% का वोट इधर होगा भाई तो उधर ही सीट जाएगी, सिंपल से लॉजिक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया है, तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने परिवार तक, सभी को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और हमारे वीडियो में ऐसे ही आपको समय दर समय इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।